हेलो गाइस, मैं ओमकार पाढ़ी। आज हम 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे, तो हम ये चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे और एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हम ये वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, हम फ्रांस का हालचाल देखेंगे। फ्रांस का हालचाल 18वीं शताब्दी में क्या क्या कर रहा था और क्या क्या हो रहा था और उनके राजा कौन थे। ईस्टेट फॉर्मेशन इन फ्रांस, और ये ईस्टेट क्या होता है और ये ईस्टेट फॉर्मेशन इंडिया में था क्या नहीं था। हम ये आगे चल के देखेंगे इंडिया से कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ खाता है। अगर हम इंडिया से इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है और हमें इसको याद रखने में भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम इसको हम अच्छे से याद रख पाएंगे। रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजर इन फ्रांस, हम जानेंगे कि फ्रांस की ट्रेजर खाली कैसे होगी। ऐसे वैसे तो खाली हो नहीं सकती, कोई चोर बोर ने तो डाका डाला भी नहीं। तो चलो फिर आगे देखते हैं ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक का नाम है ड्यूरिंग द सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। रिमेंबर दैट 18th सेंचुरी मींस द टाइम पीरियड बिटवीन 1701 टू 1799। पहली बात, ये 18th सेंचुरी क्या है। ये 18th सेंचुरी मींस द टाइम पीरियड बिटवीन 1701 टू 1799। 1799 मीन्स जो कुछ भी घटा है 1701 से जो चालू हुआ है और 1799 तक सीमित है, वो सब 18th सेंचुरी में आएगा। और हम 18th सेंचुरी मीन्स कोई भी सेंचुरी को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली डैश डैश सेंचुरी, मिड डैश डैश सेंचुरी एंड लेट डैश डैश सेंचुरी। सो अर्ली 18th सेंचुरी भी हो सकता है, मिड 18th सेंचुरी और लेट 18th सेंचुरी। पर हम इसको कर कैसे सकते हैं, तो मीन्स 50 आप ले ले, एक डेकेड को 100 ईयर्स लगता है, तो हम 50 को मिड में रखेंगे तो 50 हो गया मिड सेंचुरी। और अगर 50 के नीचे जाएंगे मीन्स 46, 44, 32, 7, 4, 3, 2 कुछ भी हुआ, ये सब ना अर्ली होगा, अर्ली 18th सेंचुरी। और जो 50 के बाद मीन 62, 74, 91, 94 ये सब हो गया लेट 18th सेंचुरी। तो अभी 1799, तो ये 1799 क्या हो गया, लेट 18th सेंचुरी। किंग लुइस 16, द सन ऑफ लुइस 15, वॉज गिवन द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। ये 18th सेंचुरी का 1774 में किंग लुइस 16, जो एक बर्बन फैमिली के राजकुमार थे, उन्हें ना राजगद्दी मिल गई 1774 में, जब भी वो ना 20 साल की उम्र में थे। किंग लुइस 16 किंग लुइस 15 के बेटे थे, किंग लुइस 15 के बेटे थे। और ये बर्बन फैमिली, मैंने जो बोला, ये बर्बन बिस्किट से भी बहुत मेल खाता है। जो बर्बन बिस्किट है ना, वो भी फ्रांस की बिस्किट है, वो भी यही फैमिली का, वो भी यही फैमिली ने शायद इंट्रोड्यूस किया रहेगा। He married to an Austrian princess, Mary Antony, at the age of 20. फिर किंग लुइस ने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की मैरी एंटनी से शादी कर ली बस 20 साल की उम्र में। इधर आप ऑस्ट्रियन सोचते रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ रिलेट कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से कुछ रिलेट नहीं कर रहे। जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रियन बोले है, वो एक ऑस्ट्रिया करके एक नाम की कंट्री है जो ना फ्रांस के बाजू में, और मैं जो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा था ना, वो ऑस्ट्रेलिया ना कंट्री जो न्यूजीलैंड के बाजू में। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े रहेगा तो आप इसको ज़्यादा इजीली कर सकते हैं ये। चलो फिर हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं कि ईस्टेट फॉर्मेशन इन फ्रांस। ईस्टेट फॉर्मेशन इन फ्रांस, वॉट इज ईस्टेट, वॉट इज ईस्टेट, सो कॉल्ड ग्रुपिज्म मेड बाय द एंसेस्टर्स सिमिलर टू द कास्टिज्म। अभी इधर पहले ही आपको बहुत सारे डाउट हो गए, ईस्टेट क्या है, एंसेस्टर क्या है, कास्टिज्म क्या है। कास्टिज्म तो चलो कोई कोई बोल भी सकते जो 8th स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ के आए हो। चलो ईस्टेट क्या है, पहला ईस्टेट बोल देता हूँ कि ना, ये पहली बात ही ईस्टेट क्या है। अगर आप सोचते रहेंगे तो, अगर आपने पहला मैंने बोला था, अगर ध्यान दिया रहेगा तो इंडिया में भी, मैंने इसको बोला था कि इंडिया में भी चल रही है ना कास्टिज्म है।
स्टेट ना कुछ और कुछ नहीं है, ये कास्टिज्म है। अगर आपको कास्टिज्म भी नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ कि हमने एथ में पढ़ा था कि ना इंडिया के जो कम्युनिटी थे उनको बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस एंड अतिशूद्रस, इसमें हमने डिवाइड किया गया था। तो ये जो तो यही सब जो है ना ब्रिटिश आके क्या बोलते थे कि ये लोग बहुत नीच जात ऊंच जात करते। पर जो फ्रांस में भी तो जाके देखना चाहता, फ्रांस में भी ना कास्टिज्म के नाम पे ना ईस्टेट बोल के ईस्टेट नाम का था, बोलते कि ना इंडिया अनडेवलप्ड कंट्री उसमें कास्टिज्म चले आ रहा है, पर खुद के कंट्री में भी ईस्टेट चलाते हुए वो लोग आ रहे। तो जो फ्रेंच कम्युनिटी वॉज डिवाइडेड इन थ्री ईस्टेट, मीन जो फ्रेंच कम्युनिटी है ना उसमें ना तीन ईस्टेट थे, वो कौन से थे, क्लर्जी, नोबेलिटी और रेस्ट। क्लर्जी, क्लर्जी क्या थी हम वो भी देखेंगे। क्लर्जी द कम्युनिटी डेट बिलोंग टू द पीपल रिलेटेड टू द चर्च। अब ये क्लर्जी क्या है, ये जो क्लर्जी है ना वो एक ईस्टेट है जो ना चर्च से रिलेट करता है। मीन जैसे कोई चर्च का फादर हो गया, वर्कर हो गया, क्या फादर का फ्रेंड हो गया, कि फादर के चेले हो गए, ये सब ना क्लर्जी में आते हैं। जैसे इंडिया के ब्राह्मण, अभी ये देखो ये हम ना रिलेट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि ये देखो इंडिया से रिलेट करते जाएंगे तो आपको बहुत 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 ईजी होगा। तो ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण किससे रिलेट करता है, ब्राह्मण रिलेट करता है रिलीजन से, और क्लर्जी कौन है, क्लर्जी भी रिलेट करता है रिलीजन से। मीन जो भी इंसान जो रिलीजन से रिलेट करता है उसको फॉरमोस्ट मीन सबसे ऊपर उसको ना राइट्स दिया जाता है। तो क्लर्जी को भी, क्लर्जी भी नोबेलिटी से ऊपर आता है और ब्राह्मण्स भी क्षत्रिय से ऊपर आते हैं। तो क्लर्जी और ब्राह्मण मैं बोल सकते हो दोनों एक है, पर खाली नाम चेंज है। नोबेलिटी द कम्युनिटी डेट बिलोंग टू द किंग एंड द कोर्ट्समैन। नोबेलिटी और एक स्टेट थेरा जो ना कम्युनिटी ना किंग, कोर्ट्समैन और ये जो भी जो राज घराने के जो बेटे भाई बहन रहते हैं ना, जैसे क्षत्रिय, इंडिया का देखेंगे तो क्षत्रिय जो कास्टिज्म था वो नोबेलिटी का स्टेट है। मीन्स क्षत्रिय में कैसे राज घराने, क्षत्रिय में कैसा मैं राजा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो वैसे ही ना नोबेलिटी में मैं राजा हूँ तो मैं नोबेलिटी में आता हूँ। तो फिर जो तीसरा देखेंगे, रेस्ट, आर्टिस्ट, पीजेंट्स, ऑल द कम्युनिटी लिविंग द टू स्टेट, नोबेलिटी एंड क्लर्जी आर द स्टेट इन द रेस्ट। और ये सब जो बाकी के जो भी हो, आप आर्टिस्ट हो, पीजेंट हो, बुनाई करने वाले हो, फार्मर हो, गाय बैल को पालने वाले हो, आप सब एक ही स्टेट में आओगे। वो कौन सा स्टेट है, रेस्ट स्टेट है वो। और बाकी जो भी कम्युनिटी मीन्स पूरी जो कम्युनिटी का जो 90% है ना, 90% लोग ना एक ही स्टेट में, आर्टिस्ट, पीजेंट्स, फार्मर सारे एक ही स्टेट है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड ये जो है आप जो इधर देख रहे हो, हाँ कौन सा है, क्लर्जी, नोबेलिटी, ये आप बोलोगे कि ट्राइंगल है, पर मैं बोलूँगा कि ये ना पिरामिड है। जब भी ऐसा अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो आप इसको ना ट्राइंगल मत बोलना, ये ना पिरामिड में ना हम ना कोई भी चीज़ों का ना डिफरेंस करते। मीन्स देखो अभी ये ना सबसे नीचे जो है उसको ना राइट सबसे लो है, ये हम मान के चले गए। थर्ड स्टेट के ना राइट्स मीन्स सबसे नीचे है तो उसको सबसे कम राइट है। नोबेलिटी बीच में है तो मीन्स उसको बीच का राइट है, वो नाम का बीच में, राजा वही सब डिसाइड करता है। नोबेलिटी मीन्स हमने आगे डिस्कस किए थे कि ना नोबेलिटी मीन्स राजा और राजघराने के लोग। क्लर्जी सबसे ऊपर है मीन्स ना सबसे उनको राइट है। पर ये देखो हम और एक भी मान के चले गए कि जिसका विड्थ सबसे बड़ा है मीन्स उसका ना सबसे ना ज़्यादा ना पॉपुलेशन है। मीन्स विड्थ जिसका रहेगा ना उसका ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा, विड्थ जिसका ज़्यादा रहेगा उसका विड्थ बड़ा रहेगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा। तो फिर देखो थर्ड स्टेट का जो विड्थ है ना वो बहुत बड़ा है। मीन्स ना थर्ड स्टेट में पहले से बोला ही था कि इसका 90% पॉपुलेशन होता है, और जो सेकेंड स्टेट मीन्स जो नोबेलिटी रहते हैं देखो वो मिडल में है, और मिडल में है तो मीन्स उसको मिडल वाले राइट से मीन्स क्लर्जी से कम है पर थर्ड स्टेट से ज़्यादा है। क्लर्जी और नोबेलिटी अपर कास्ट है, और ये जो तीसरा वाला जो रेस्ट ना वो लोअर कास्ट है। तो जो इनको है इनका पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, रेस्ट से ज़्यादा नहीं है और क्लर्जी से कम नहीं है, पर इनको ना पर इनका राइट्स भी ठीक ठाक है। क्लर्जी के पास सबसे ज़्यादा राइट्स मीन्स वो जो बोलेंगे वो हो सकता है, वो हवन के नाम में किसको मार भी देंगे तो भी चलेगा,
तभी के ना तभी तभी यही सब चलता था, अछूत अछूत ये सब चलता था, पर ये सब इंडिया में, उनका उधर भी वो लोग कुछ करते होंगे। तो क्लर्जी देखो सबसे छोटा है, क्लर्जी सबसे छोटा है मीन्स उसका पॉपुलेशन भी कम है। तो फिर चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देख देंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इधर देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लेविड ऑन द थर्ड इस्टेट। इधर हम पढ़ेंगे कि ना कि टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी टैक्स आता है ना तभी पॉलिटिक्स को तो आना बहुत है। टैक्स कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। देखो अभी का तो गवर्नमेंट का फिक्स है पर तभी का वैसा नहीं रहता था, और वो भी पहले से ही। देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स देवर लेविड ऑन थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट जो अमीर घराने के रहते हैं और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा राइट्स है तो टैक्स भरेगा नहीं। जो थर्ड स्टेट में जो लाचार गरीब फ्रेंच के जो बेरोजगार जो इंसान रहते उनसे टैक्स लेते ये लोग, उनसे टैक्स लेते और वो भी ना एक एक टैक्स नहीं दो दो टैक्स लेते ये लोग। टीथ्स भी लेते और टेल्स भी रहते। अभी पढ़ते हम कि टीथ्स क्या होता है और टेल्स क्या होता है। जो टीथ्स का जो टैक्स रहता है द टैक्स इन विच अ पर्सन हैज़ टू पे 1/10 ऑफ गुड टू द चर्च। अभी ये क्या है हम इसको पढ़ेंगे। 1/10 ऑफ द गुड टू द चर्च मीन्स टीथ्स एक ऐसा टीथ्स वो वाला टैक्स है जो ना थर्ड स्टेट को खाली जो भरना पड़ता है और जिसमें ना आपने जो भी कमाया है उसका 1/10 ना आपको ना चर्च को जाके देना पड़ेगा। मीन्स सोचो मैंने ना 100 रुपये कमाया तो ना मुझे ना 10 रुपये जाके ना 10 रुपये जाके ना टीथ्स को देना पड़ा 1/10। मीन्स सोचो अगर मैं किसान हूँ, हूँ तो नहीं पर हूँ अगर मैं किसान हूँ, अगर सोचो मैंने ना 1000 क्विंटल ये किया क्या धान उगाया मैंने मीन्स ग्रेन उगाया। उधर तो ग्रेन उगता है ना, कोई दाल चावल रोटी सब्जी कौन खाता है उधर, वो तो बर्गर ब्रेड खाते हैं। सोचो लो मैंने ग्रेन उगा दिया 100 क्विंटल कर दिया तो मुझे तो 100 क्विंटल उसको ही जाके देना पड़ेगा, 1/10 तो मुझे उसको ही जाके देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया तीज। सभी हम पढ़ेंगे टेल्स के बारे में। हेड्स और टेल्स का जैसा ना गुगली फेंकते जा रहे क्रिकेट का भाषा में आ गया फिर भी देखते हैं। टेल्स द टैक्स इन विच अ पर्सन हैज टू पे मनी टू द गवर्नमेंट। ये जो एक ऐसा टैक्स है जिसमें ना आपको मनी पड़ता है, हाँ ये ठीक है ऐसा लगता है पर आपको, पर ना जैसे ही ना रिवोल्यूशन बढ़ता गया ये ना टैक्स ना बहुत बढ़ाना चालू कर दिया। जो टैक्स है ना गवर्नमेंट को जो टेल्स पे करते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, पर जो गवर्नमेंट भी है वो भी ना बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा था। तभी कभी 40 रुपये बोलता था कभी 60 रुपये बोलता था, कभी कम तो नहीं करता था खाली ना बढ़ाते जा रहा था। मीन सोचो 100 रुपये कमाया मैंने, 10 रुपये तो मैंने चर्च को दिया और 40-50 रुपये तो मैंने टेल्स को दिया, तो 60 रुपये मैंने दिए। 40 रुपये का मैं क्या करूँ, 40 रुपये तभी तो ब्रेड के दाम तो 100 1000 जा रहे थे। अभी क्यों जा रहे थे हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ने वाले, तो पूरा वीडियो देखना। तो टेल्स और टिथ्स के बारे में तो हमने पढ़े, तो अभी हम आगे देखते हैं कि ना ये ना टेल्स और टिथ्स इतने सारे टैक्स क्यों लगा रहे थे। राजा तो अपना नाम ऐसे ही बदनाम करना तो नहीं चाहेगा, कुछ तो हो रहा था फ्रांस में, कुछ हो रहा था, कुछ दुर्घटना घट रही थी, इसलिए फ्रांस के राजा ने ना इतना ना ज़्यादा टैक्स लगाने चालू किया। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजर। अब भी देखो अभी फ्रांस का तो पूरा तिजोरी ही खाली हो गई। बोलो अभी तिजोरी खाली कैसे हो गई। अभी तिजोरी खाली होने से पहले मैं फ्रांस का हालचाल बता डालता हूँ। हालचाल कैसा था, राजघराने का हालचाल कैसा था। किंग लुइस राजा तो बन गया पर तभी हाल चल फ्रेंड्स का कुछ अच्छा नहीं था, बैंक करप्ट हो गया था ये कंट्री। अभी ये बैंक करप्ट कैसा हो गया था ये हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पर कैसे इतना लाचार हो गए, पहली बात तो ओनली द थर्ड स्टेट पेड लिखा इधर पेड होगा, इधर एक मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी अगर आपने मेरे पहले से कर दिए पहले से ढूंढ लिया मेरे से मिस्टेक तो गुड, आपने आपका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान है। पेड द टैक्सेस सो ओनली फ्यू टैक्सेस वेयर कलेक्टेड मीन्स खाली थर्ड स्टेट टैक्स देती थी और थर्ड स्टेट तो ठेरी गरीब, कोई तो बुनाई वाला है कोई तो खेती वाला है, अभी कितना पैसा कमा लेगा और उसको तो पहले से लूटते भी है इतना हजार हजार टैक्सेस भरते लूटते, वो तो ठेरी गरीब
कितना पैसा दे डालेगा? अगर अमीरों से टैक्स निकालवाते, अगर नोबेलिटी से निकालते, क्लर्जी से निकालते, इतना पैसे वो खा के बैठे थे फ्रांस के, अगर उनसे निकालते थे तो ये कभी नौबत आती थी उनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। और अभी फ्रांस की हालत अभी ठीक हो गई है, पर पहले फ्रांस की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उनका शासन गलत था। अमीर अमीर होते गए, अमीर को टैक्स भरना नहीं पड़ा, गरीब को टैक्स देते, गरीब तो गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए, और फ्रांस भी गरीब होते गए। अभी फ्रांस गरीब क्यों होते गए? 90% जो पॉपुलेशन जो फ्रांस की थी तो गरीबी थी, मैंने पहला बोला था। ध्यान दिया रहेगा तो पहले से समझ गए रहेगा, तो ध्यान दिया करो। और फिर दूसरा है, बिल्ट ग्रैंड पैलेस ऑफ वर्सेलिस हुज मेंटेनेंस वाज वेरी 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 कॉस्टली। और तो फ्रांस तो जाना जाता है उसका लग्जीरियस लाइफ लेने के लिए, सजावट, फोर्ट, किला, खान पान, कपड़ा, इसमें भी राजा जी ने बहुत पैसे उड़ा दिए। अपने पैलेस ऑफ वर्सेलिस, जिसने वर्ल्ड वार पढ़ा रहेगा उनको वर्सेलिस की कीमत पता चल गई रहेगी। वर्सेलिस मैं बोलूँ तो एक बड़ी चीज़ है जिसके वजह से वर्ल्ड वार हुई थी। अपने पैलेस ऑफ वर्सेलिस को, अपने पैलेस तो वर्सेलिस का नाम सुना ही होगा, कितना सजावट है, और वन ऑफ द मैं बोलूँ तो सुंदर पैलेस भी है, एकदम मस्त दिखता है पैलेस। पर इसमें भी बनाने में, उसको मेंटेन करने के लिए, उसका कोर्ट्समैन, उसका चार्जेस, ये सब बहुत मेंटेनेंस में बहुत पैसा गया। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज, बट द किंग वॉज लिविंग अ लग्जीरियस लाइफ। और आपको पता है तो है कि अगर साल बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको ग्रेन, जो फार्मर है उसको अपना खेती बाड़ी को इंक्रीज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डाल के ज़्यादा उगाना पड़ेगा। पर तभी के टाइम में फ्रांस के किसान को, उनका दिमाग घास चरने गया था, उनको गाय का दिमाग, गाय को भेजना चाहिए था, पर खुद का दिमाग घास चरने गया था। बोल भी सकते कि उन्होंने ज़्यादा किया नहीं फिर, क्योंकि उनका ये, उनका किस्मत ही इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि फ्रांस, देखो फ्रांस जो है ना, फ्रांस एक ऐसा जियोग्राफिकल कंडीशंस में जहाँ पे ना बहुत सारे हेल स्ट्रोम्स आते, मींस बारिश, देखते ना बारिश, अब बारिश जिसमें ये गिरते क्या, आइस, आइस भी बोल नहीं सकते, आइस के छोटे छोटे जो टुकड़े नहीं रहते क्या, वो गिरते, फिर उसके बाद ड्रॉट, जिसको ड्रॉट का मीनिंग नहीं पता है मैं बोल देता हूँ, वो सूखा होता है, हिंदी में सूखा बोलते हैं। और फिर उसके बाद तूफान, तूफान आंधी, तूफान ड्रॉट, हेल स्ट्रॉम मीन्स वो जो बर्फ़ वाला मैंने जो बोला था, वो सब भी गिरने चालू हो गए। फ्रांस के किसान ने भी ज़्यादा कुछ खेती बाड़ी कर नहीं पाए, और फ्रांस की जनता खाली डेवलपमेंट मांग रही थी। डेवलपमेंट मांगते मांगते इतने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा किए, पर ये इसका ध्यान नहीं रख पाए वो। फिर उसके बाद ये तो हो नहीं पाए, तो उसके ऊपर रिवॉल्यूशन भी चालू कर दिए थे जनता ने। जनता को पता चल गया था कि इन्हें हमारा फ्रांस का ये जो लुई 16 है संभाल नहीं पा रहा है हमारा फ्रांस की जनता को। 20 साल का बच्चा तो बोलो क्या करेगा, 20 साल में अच्छे से हमको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाती है किसको, और ये गया था राजगद्दी को संभालने के लिए। तो उसने भी क्या किया, एक्सपोर्ट कराना चालू किया, वो भी बेवकूफ़ ठहरा। वो एक्सपोर्ट कराएगा तो किससे करवाएगा, ब्रिटेन से करवाएगा क्या, दूसरे कंट्री से कराएगा? उसको तो पता है कि, सबको पता है कि मेरा स्थिति बहुत ख़राब है, मैं कभी ना कभी आज़ादी होने वाला हूँ, मेरा कंट्री को आज़ाद चाहिए, मैं मुझे कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे राजगद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सब उनसे ना ज़्यादा पैसा निकालने लगे, तो एक्सपोर्ट कराते कराते ना फ्रांस भी बेहाल हो गया। तो नेक्स्ट फोर्थ वाले में चलते हैं, द कंट्री हैड वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार। फ्रेंच रूलर अप्लाइड 2 बिलियन लिवरेज टू फ्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन अमेरिका डिडंट पे द लोन। लोन भी बोल सकते, नहीं तो बोल सकते कि फ्रेंडशिप में किया था, कुछ कागजी मामला नहीं था। द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी। द कंट्री का ना मीन्स कोई भी लड़ाई करेगा तो कुछ आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है कि खाली खून खराबा तो मिलता है, आपको पहले से ही पता है, फिर भी आपने किया, वर्ल्ड वार किया, फ्रांस वर्ल्ड वार हारा और जीतता भी था तो भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता था। ब्रिटेन जीत के भी क्या इंडिया को फ्रीडम रोकने से बचा पाया, तो फ्रांस क्या हार के अपना कंट्री से बचा पाएगा अपना फ्रीडम? तो फ्रांस तो हार गया। और 2 बिलियन लिवरेज, तो आप बोलोगे कि लिवरेज क्या है? तो पहला जो करेंसी ऑफ फ्रांस था ना वो लिवरेज था,
तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी जो फ्रांस का जो करेंसी है ना वो क्या है, आपको वो बताना पड़ेगा। और टू फ्री यूनाइटेड स्टेट्स, मीन्स यूनाइटेड स्टेट भी बचा नहीं था, उनके ऊपर भी ना ब्रिटिश का थोड़ा सा ये था, दबाव था, उससे भी उनको आज़ाद करने के लिए ना ब्रिटिश यूएस में पूरा आ गए थे। तो ना तो फ्रांस ने ना गन पाउडर, कैनन, गन, फिर उसके बाद बहुत सारे औजार, फिर उसके बाद लड़ने के लिए सामान, बूट्स, जूते, बहुत सारे दिए। अभी लड़ाई करने तो जाना है, खाली पेट तो जाएगा नहीं, जूते वूते तो पहन के ही जाएंगे। तो ये सब करने के लिए 2 बिलियन लीवरेज दिए फ्रांस ने 2 बिलियन लीवरेज दिए। अभी वो क्या सोचे थे कि वो अटैक भी कर रहे थे ब्रिटेन के ऊपर, अटैक भी सामने से जाके अपना सोल्जर को बैठ के अटैक भी कर रहे थे, पर एक इनडायरेक्ट अटैक कर रहे थे अमेरिका को आज़ाद करके, अमेरिका के थोड़े से लोगों को आज़ाद करके वो ब्रिटेन पे दबाव डालना चाहते थे कि अमेरिका आज़ाद हो गया, भी अमेरिका भी हमारे साइड से लड़ेगा। उसने गड्ढा तो खोदा ब्रिटेन के लिए, पर खुद ही गिर गया गड्ढे में। बोलो 2 बिलियन लीवरेज उसने 2 बिलियन लोन भी बोल सकते हैं उनके ऊपर, मदद भी बोल सकते हैं, पर कोई कागजी मामला नहीं था। तो ना अमेरिका ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, बोले कि तूने तो हमें मदद किया, अभी तूने बोला नहीं था कि तुझे वापस पैसा देने का है करके, वैसा रहता तो हम अपना खुद ही मदद करवा डालते थे। तो अमेरिका ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, फिर अमेरिका डिड पेड द लोन, अभी लोन भी बोल सकते हैं, मदद भी बोल सकते थे। कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्ट, अभी कंपनी क्यों, तो फ्रेंच कंपनी जो थी ना, मीन्स ये कंपनी मीन्स राजा, वो भी बैंक्रप्सी में आ गया था कि ना अमेरिका को गन पाउडर करके, गन पाउडर गन सब देके वो चाहता था कि अमेरिका को आज़ाद करवाए, अमेरिका को आज़ाद करवा के वो ब्रिटेन पे हमला करना चाहता था, पर हार भी गई, अमेरिका आज़ाद भी हो गया। अभी आपको पता है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में खड़ा हुआ है, अमेरिका वालों ने नहीं बनाया, फ्रेंच ने गिफ्ट दिया है। अगर जिसको पता था वो लिखिए कि मुझे पता था कमेंट सेक्शन में कि वो अमेरिका वाला ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रेंच ने गिफ्ट किया था। ठीक है, तो फिर हम आगे इधर देखते हैं कि अमेरिका ने के ऊपर 2 बिलियन लीवरेज मीन्स फ्रांस के ऊपर था, तो इसके वजह से ना वो बैंक्रप्ट होते गए। फिर इधर तो आपको आराम से इधर दिखता रहेगा कि ये जो फ्रांस है, जो ग्रीन कलर का इधर जो है ना, वो देखो फ्रांस के आगे ही थोड़ा सा एक आइलैंड का जैसा दिख रहा है, वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन के ऊपर अटैक तो करते गए, पर इनडायरेक्ट अटैक वो येलो वाला जो अमेरिका है ना, अमेरिका उसके ऊपर भी अटैक करके गए। अभी वो जो देखो अमेरिका तो कनेक्टेड नहीं है, वो एक साइड वाला भी एक अमेरिका है, मीन्स येलो वाला है। वो कौन सा कंट्री है जो अमेरिका के अंडर था, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बोलने का। तो बहुत सारा होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कहिए जी, कमेंट सेक्शन में कीजिए ये सब होमवर्क। ये उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर भी अटैक कर रहे थे, पर डायरेक्ट जाके ना अमेरिका के ऊपर भी अटैक कर रहे थे। तो ये पिक्चर से आपको बहुत आसानी से होता रहेगा कि ना 70% यही था, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा जोर देकर करेंगे कि 70% ना फ्रांस का यही था। अभी आप सोचोगे कि ये फ्रांस और अमेरिका लेकर हमको फ़ायदा क्या है, क्योंकि हिस्ट्री जब भी है ना, हिस्ट्री का किसका फ़ायदे के लिए नहीं है, हिस्ट्री को आपको ना स्टोरी का जैसा ले लेना चाहिए, जो ना स्टोरी आप ना देखे कि ना आपके साथ अगर ये सब सिचुएशन हो तो आपको इसका सामना कैसा करना है। कभी आप तो राजा बनोगे नहीं, वैसा कोई आप तो राजा बनोगे नहीं मीन्स अगर आप कोई बड़े अफसर हो गए, कोई ऑफिस में हो गए, आपके साथ यही सिचुएशन हुई, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, हिस्ट्री वापस ये और एक बार होगा ये। पर फ्रांस अमेरिका का नाम चेंज करके इंडिया अफ्रीका भी हो सकता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। तो हमें अच्छे से देख लेना चाहिए कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो इधर फ्रांस ने अपनी गलती कहाँ पे करा है वो अच्छे से देखा नहीं करके, वो अभी बैंक्रप्सी के स्टेटस में था। तो फिर ये हमारा तो हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट देखेंगे कि अभी सेकेंड पार्ट ना थोड़े दिनों में मैं लॉन्च करूँगा, मुझे थोड़ा एक वीक का टाइम दो, मैं अच्छे से वापस एक अच्छा सा ट्यूटोरियल आपको दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, आस्क योर डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट रहेगा ये फर्स्ट पार्ट में आपको जितना भी डाउट है, सेकेंड पार्ट मीन्स आगे का कोई जाके डाउट पूछोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगा, पर फर्स्ट अगर पार्ट का मीन्स अभी जितना पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो भेज दीजिएगा के पूछिए, आपको एक घंटे में आंसर दे दूंगा मैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, ये मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं पियानो कवर और फिर उसके बाद कई अलग अलग वीडियो भी मैंने डाले हैं, आप उसको जाके देखिए। अगर आपने ये वीडियो से कुछ भी सीखा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाय, थैंक यू।